ट्रकों में ओवरलोडिंग रोकने की मांग को लेकर गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने मंगलवार को एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा तथा ट्रकों में अवैध रूप से हो रही ओवरलोडिंग की कार्यवाही को बंद करने की मांग की। ज्ञापन देने आए ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि ट्रकों के ओवरलोडिंग चलने से जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं सड़कें भी टूट रही हैं तथा ट्रकों के बॉडी और इंजन को भी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी पांडे और एआरटीओ डीडी मिश्रा ने बताया। विगत 3-4 महीनों से स्थिति यहाँ गोरखपुर में ट्रांसपोर्टरों की खराब है और दुर्भाग्य से अब हम लोग क्या बताएं कि यहाँ के अधिकारी क्या तो ये तो नहीं कह सकते मिली भगत इनकी अकर्मण्यता पूरे मंडल में ओवरलोडिंग बढ़ गई है। हम लोग कई बार इसलिए प्रार्थना किए, मिले भी, हाथ जोड़े भी कि सर यहाँ ओवरलोड नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ मानक के हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन इसमें सहयोग प्रॉपर हमको नहीं मिला। तो आज हम लोग मजबूर होकर के इनको ज्ञापन देने आए हैं कि अगर ओवरलोड गाड़ियाँ चलती मिली तो हम लोग आपका सड़क पर विरोध करेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, उसके बाद परिवहन आयुक्त से मिलेंगे, परिवहन मंत्री महोदय से मिल करके ज्ञापन देंगे। सर ये वाहन स्वामियों ने ओवरलोड ट्रकों के विरोध में ज्ञापन दिया है, हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो शासन का मानक है उसी के अनुसार गाड़ियां चलेंगी, कोई भी ओवरलोड गाड़ी नहीं चलने पाएगी। यदि ये लोग कहीं से सूचना देते हैं तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पूरे गोरखपुर मंडल में किसी भी ज़िले में ओवरलोड गाड़ी नहीं चलने पाएगी।